शुरुआत हुई है और कपिस्थल की इस तपोभूमि पर, भोले शंकर की इस भूमि पर, हनुमान जी की इस भूमि पर मैं सबसे पहले आपका आशीर्वाद लेकर आप सबका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। मुझसे पहले बोलते हुए साथियों ने, वक्ताओं ने कहीं आशीर्वाद के भाव से, कहीं जोश के भाव से, कहीं भावना के भाव से, कहीं प्रेम के भाव से, अपने अपने तरीके से जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ने का साहस दिया, एक संकल्प लेकर यह कहा कि ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद उस मनोरथ को पूरा करने में सदैव रहेगा जिस यज्ञ की शुरुआत आपने और मैंने मिलकर की है, मैं उसके लिए आप सबका एक बार फिर अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। वो दिल्ली की सरकार हो, वो हरियाणा की सरकार हो, उन्हें ब्राह्मण समाज तब तो याद आता है जब उन्हें सत्ता चाहिए, जब उन्हें समाज को इकट्ठा करना तो ब्राह्मण समाज की याद हासिल नहीं मिलता। जब वोट बैंक के तौर पर देखना सभी युवा साथियों के साथ दिल्ली की सत्ता स्वागत है ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण समाज की याद आती पर सभी युवा सत्ता में भागीदारी देगी, जब कर्म से रोजगार रोटी का अधिकार देना, जब सत्ता में सत्ता सील करने का बल आता हो तो फिर दिल्ली की सत्ता और हरियाणा के हुक्मरान को ब्राह्मण समाज को दर चुनाव करने के लिए आज एक शाश्वत सत्य है कि पूरे देश के अंदर ब्राह्मण समाज का जो नेतृत्व है, देश के अंदर जो ब्राह्मण समाज का नेतृत्व है, बारी बारी से दिल्ली के हुक्मरान में और हरियाणा के हुक्मरान में उन पर प्रहार किया। ब्राह्मण समाज के नेतृत्व को दरकिनार करने का षड्यंत्र अगर मैं ये कहूं, इजाजत लेकर आपकी किया है, तो साधु सहित पहुंचे हैं प्रोग्राम में। एक छोटा सा उदाहरण, पंच मोहनलाल जी, पूर्व पार्षद पड़ोस में उत्तर प्रदेश के अंदर, अश्विनी शर्मा जी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आती है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नाम पर जब सत्ताधारी गद्दी पर बिठाने की बात आती है तो दिल्ली के हुक्मरान उठाकर आदित्यनाथ जी को वहां बिठा देते हैं, वो भी उत्तराखंड से लाकर। जब देश के अंदर मुख्य भूमिका देने की बात आती है कलराज मिश्र जी को तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी हुक्मरान कलराज मिश्र जी को बूढ़ा कहकर रिटायर कर देते हैं। जब देश के अंदर सत्ता की हिस्सेदारी देने की बात आती है तो फिर वाजपेयी जी की भतीजी को, जिनका नाम लेकर उंगली पकड़कर ये आज दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ में धक्के मारकर टिकट काटकर कांग्रेस में जाने पर मजबूर कर दिया जाता है। जब देश में जो सबसे बड़े भाजपा के विद्वान हैं, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उसी श्रेणी में लिया जाता है, जब उनकी बारी आती है सबसे बड़े पद पर आसीन होने की, फिर दिल्ली के हुक्मरान जो हैं, वो मुरली मनोहर जोशी जी को दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर उनको कोप भवन में कहते हैं कि अब आप तो वो क्या है बना रखा है एक राजीव जी जो जहां सबको मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए, मूक दर्शक मंडल है वो, मार्गदर्शक नहीं है। सही कहा आपने, पार्टी का शासन नहीं था और एक व्यक्ति भाजपा के लिए एडी रगड़ा करता था, एक एक जगह जाकर प्रचार करता था, कई कई बार चुनाव हार कर भी प्रचार करता था, और जिसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए रखा, आप समझ गए मेरा इशारा कहां है। जब
जब हरियाणा में पहली बार सरकार आती है तो चेहरा रामविलास शर्मा का और सत्ता मनोहर लाल खट्टर को, जिन्होंने कभी हरियाणा में 5 पैसे का काम भाजपा के लिए नहीं किया। और ये केवल एक प्रदेश की कहानी नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हर इलाके हर प्रदेश के अंदर ऐसा करती। माफ कीजिए, वो हमारे समाज से जुड़ी हुई नहीं, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, जब चुनाव हारना हो, तो कैथल में भी रवि भूषण गर्ग जी को आगे कर दो, क्योंकि वही 50 साल से उनका झोड़ा उठाए हैं। और अब जब मलाई खाने का समय आया तो फिर सारे भगोड़ों को अपने पास शामिल कर लो और उस व्यक्ति को दरकिनार कर दो। ये उनका चरित्र है, ये उनका रास्ता है। मेरे बुजुर्ग और साथियों, ब्राह्मण समाज की जब जरूरत है चेहरा दिखाने के लिए और वोट लेने के लिए, तो ब्राह्मण समाज के लोग, और जब अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं तो फिर वो दूध से मक्खी की तरह सत्ता से भागीदारी से ब्राह्मण समाज के लोगों को निकालकर फेंक देते। और हरियाणा में तो ऐसे क्रूर और अहंकारी शासक का शासन है, जिनके बारे में जो कहा जाए उनके अहंकार के बारे में वो शायद कम है। इस प्रदेश में कहा जाता था कि ओम प्रकाश चौटाला जी का अहंकार बहुत बड़ा है। पंडित जी, अगर ओम प्रकाश चौटाला जी के अहंकार से भी कोई आके निकल गया है तो वो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनका अहंकार तो सबको पार कर चुका। और वो केवल एक फरसे की बात नहीं, ये किसकी हिम्मत हो सकती है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पेपर में इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि ब्राह्मण के रंग के आधार पर शुकन और अपशुकन होता है। ये किस हुक्मरान की हिम्मत हो सकती है कि वो हमारी बेटियों के सम्मान के ऊपर, समाज की बेटियों के सम्मान के ऊपर प्रश्न पूछवाए लिखकर, और उसके आधार पर बच्चों को नंबर मिले। और जब पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा हो गया भारत भूषण भारती के खिलाफ, जो खट्टर साहब के बेडरूम पार्टनर हैं, कहते हैं वो